नमस्ते दोस्तों, मैं वर्णव, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि इस वीडियो में एक स्टेशन मास्टर का मैं पूरा इंटरव्यू लेने वाला हूं और उनका यहां तक आने का कैसा रहा सफ़र और कैसे वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, इन सब के बारे में मैं पूरी डिटेल लूंगा और वो आप भी कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे इनके बारे में मैं उनसे बातें करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अब हम स्टेशन पर आ चुके हैं और सर हमारे सामने हैं, तो चलिए सर से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि अतुल भाई ने आपको बताया होगा कि आज ये स्टेशन पे जाके स्टेशन मास्टर का जो कार्य रहता है, कैसे क्या सब कुछ होता है वो, और स्टेशन मास्टर एनटीपीसी से या जैसे भी रिक्रूटमेंट के थ्रू उसका सिलेक्शन हुआ है, वो क्या प्रोसेस रहता है उसका, क्या उसकी प्लानिंग रहती है एग्ज़ाम की, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और कम समय में भी हम कितने अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, वही सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं यहाँ पर 2 साल से स्टेशन मास्टर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो रेलवे के लिए वही जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है उसको थोड़ा इजी हो जाता है, और वैसा कुछ नहीं है कि जिसका जीएस अच्छा है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सभी तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि उसमें नंबर जो आपके कटने के चांस कम हो जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, तो थोड़ा ये फ़ायदा, क्योंकि हमें पता है रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 1 आपका सही जो है वो भी आपका कट जाएगा। इसके लिए अगर मैथ और रीजनिंग पे हम बहुत अच्छे से फोकस करें, रिवीजन अच्छे से करें, तो उसमें हम फुल मार्क्स भी अपने ला सकते हैं। 60 नंबर टोटल है वो, 30 नंबर का मैथ आता है आपको पता है, 30 नंबर का ही आपको रीजनिंग आता है, और 40 नंबर का आपका आता है जीके सेक्शन, जिसमें आपको जीएस भी मिलता है, करंट अफेयर मिलता है, और बाकी अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये जो भी है वो आपको उसमें तैयारी करना पड़ता है। तो मेरा मैथ स्टार्टिंग से अच्छा था, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैंने अपना पूरा फोकस मैथ पे ही रखा। आपको रीजनिंग भी कुछ कुछ मैथ से ही थोड़ा नेक्स्ट है, मैथ जिसका अच्छा है तो उसकी रीजनिंग भी मोस्टली अच्छी ही होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मोस्टली उसमें भी कैलकुलेशन रहता है। तो आप लोग को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जिसका मैथ अच्छा है रीजनिंग अच्छी है उन दोनों पे पूरा फोकस रखें, जीएस को डर बना के ना लें कि जीएस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आप अपने पहले 2 सब्जेक्ट उनको ज़्यादा टाइम दें, जीएस को भी टाइम देना है, लेकिन ज़्यादा टाइम आप सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ को देना पड़ेगा, रिवाइज करना आपको बहुत अच्छे से है। अभी हमारे पास टाइम है जो आने वाला एग्ज़ाम है, लेकिन जो आगे के लिए भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहेंगे एज ए फ्रेशर, तो उनके लिए भी पहले से आप अपना मैथ के लिए तैयारी शुरू कर दें टाइम से। मैथ के लिए आप कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं, अभी इतना आदर्श अग्रवाल एक कॉमन बुक हो गई है आजकल, तो RRB NTPC के लिए वो एक ले सकते हैं आप। दूसरा आप जा सकते हैं कि YouTube पे भी बहुत सारे यूट्यूबर आज इंस्ट्रक्टर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिसका अच्छा लगे, जहाँ से कुछ हो सके, आपको लगे कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैथ के लिए आप सब जानते हैं कौन सी बुक से सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी उसी को ले सकते हैं, सबको मालूम है, मैं कोई किसी बुक का नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा। रीजनिंग के लिए आप मेरी राय आपके लिए वही है कि आप प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो रीजनिंग की आप सबसे बेस्ट तरीका रीजनिंग की तैयारी करने का वही है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं अभी पिछले 10 साल के या 15 साल के आप ले सकते हैं, 10 साल के लेंगे तो बहुत है, उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि कैसा पैटर्न है रीजनिंग का, कैसे क्वेश्चन हम आ रहे हैं, अब कैसे आ रहे हैं, पिछले 2 सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो रीजनिंग के लिए कोई अलग से बुक लेने की आवश्यकता इतनी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं जीके के बारे में। मैथ रीजनिंग अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड था, मेरा दोनों अच्छे थे तो मैंने उनको ज़्यादा टाइम, इतना टाइम मुझे नहीं लगा, मुझे टाइम जीके पोर्शन अपना रेडी करने में ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मेरा शुरू से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जीके में, लेकिन अब एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना तो है, तो सभी तीनों पोर्शन आपके पूरे अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जीके के लिए जो मेरा जो एक पोर्शन था, एक मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCM का मैं स्टूडेंट था, तो मेरे लिए थोड़ा सा ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ उनमें से पढ़ा हुआ था वो वाले क्वेश्चन जो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप, मैंने जो लिया था वो लूसेंट से मैं पढ़ा था, आप और भी बुक्स हैं उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो लूसेंट के थ्रू मेरे जीके काफ़ी हद तक मेरा जीके उसी से लगा था। जीके में दूसरा पोर्शन एक आता है करंट अफेयर्स, जो रेलवे के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जीके के मामले में अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर्स।
आजकल 40 में से मुझे लगता है 8 या 9 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर से पक्का आने हैं। तो आप, मेरा जो फोकस था इन्हीं दोनों के ऊपर था, आपका भी उसी के ऊपर होना चाहिए। अगर आप इन दो टॉपिक को, एक जीएस और एक करंट अफेयर, जीके आपकी आधी लगभग तैयार समझो आप, अगर इन दोनों को आपने तैयार कर लिया। तो जीएस के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट में आपको लास्ट में आपके चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, उसमें दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, फॉर्मूला वगैरह पूछते हैं, मात्रक वगैरह, यूनिट वगैरह पूछ लेते हैं, तो और किसी चीज़ की खोज पूछ लेते हैं। ब्लड से क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, ब्लड एक इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, दो भी आ जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन आपका खोज से आ जाता है, किसकी खोज किसने करी थी। केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला पूछ लेता है, किसी भी का भी फॉर्मूला पूछ लेता है। बायोलॉजी थोड़ा रटना पड़ता है, आप देख लेना। तो मेरा वही था, मेरा जीएस वाला पोर्शन मैंने अच्छे से करा, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, बायो थोड़ा पढ़ना पड़ा। करंट अफेयर के लिए मैंने न्यूज़पेपर, आप मेरा अमर उजाला मैं पढ़ता था, अमर उजाला, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए एक सफलता नाम से मैगजीन आती है, अमर उजाला ही देता है मंथली, उसके थ्रू भी बहुत हद तक आपको करंट अफेयर्स में। अच्छा ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें बहुत कम टाइम बच रहा है, लगभग 40 दिन है हमारे पास, 15 दिसंबर से उसकी डेट दी है। तो इतने कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं और कितना अच्छे से अच्छा सोच के अपने लिए रिजल्ट ले सकते हैं? तो मेरा अभी आप कम से कम एक तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट पिछले 10 सालों के आप ले सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन भी काफ़ी साइट पे भी आजकल मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। आपको मालूम है बहुत सारी साइट हैं, किसी भी एक का आप ले लीजिए और उसमें आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, कम से कम 2 लगाने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को जानना ही सबसे अच्छा वो रिजल्ट, मेन रिजल्ट वही है कि आप कितना अभी तक पढ़ पाए हैं। तो 2 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम तुम्हें देना है उसके लिए। 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का वो एग्ज़ाम है, 90 मिनट्स बिल्कुल आपको शांत होके सब कुछ फ़ोन अपना साइड रख के जो भी है उसमें देना है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं, ये सोच के देना है कि यार ये तुम्हारा मेन एग्ज़ाम है, यही चल रहा है तुम्हारा मेन एग्ज़ाम। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तो उसको बाद उसका आप देखिए कौन से कितने क्वेश्चन तुमने गलत करे हैं, कितना सही हुआ है, मैं कितने पानी में हूँ, ये आप जान सकते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कितने क्वेश्चन नेगेटिव में मेरे जा रहे हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है हमारा 1/3 का। 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाएंगे तो एक आपका सही भी कट जाएगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना कि जितने भी क्वेश्चन करें अच्छा कोशिश होगी अब वो सब सही क्वेश्चन हो। मोस्टली तुक्का वुक्के पे ज़्यादा भरोसा ना करें, तुक्का ना मारें, वो आपका जो सही क्वेश्चन आपने कराया वो भी आपका गलत हो जाएगा, तो उसके भरोसे आप नहीं जा सकते। अगर आपके मेरा मैथ रीजनिंग में आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा क्या क्वेश्चन सही है, 90% आपको मालूम पड़ ही जाता है कि ये सही है या गलत है। जीएस में आप रिस्क नहीं लो, तो मेरा तो ये मानना है कि क्वेश्चन थोड़े कम भी अटैम्प्ट हो तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए उसके ऊपर। अभी क्या है, 1-2 सीजन लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। उसमें क्या है, उसमें जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होती है उसके ऊपर उसके नंबर बहुत अच्छे आपकी इंक्रीज हो सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो अभी आप 40 दिन हमारे बचे हैं हमारे पास, तो आप कर सकते हैं, सुबह शाम कोई भी एक दिन आप टाइम ले सकते हैं। मेरा मानना तो यह है कि टाइम एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो एग्ज़ाम टाइम होता है, ताकि उसको उसके हिसाब से अब अपने आप को एडजस्ट कर सके कि इसी टाइम मेरा एग्ज़ाम होता है और इसी टाइम में पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप रात के 12 बजे सेट लगाए रहे हैं तो 12 बजे तो एग्ज़ाम होता नहीं है। तो वो बहुत हद तक तुमको हेल्प करेगा कि सुबह की शिफ्ट रहती है, दोपहर की शिफ्ट रहती है, शाम की शिफ्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग तुम सेट लगाओ, बैठो आराम से, उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन गलत हुए सही हुए। जो पोर्शन आपका गलत हुआ है उसको तुम उन क्वेश्चनों को नोट कर लो कि ये मेरे क्वेश्चन गलत हैं, वो तो तुम्हें उसी दिन सेम दिन पूरा तैयार करने ही करने हैं। उसके बाद उस वाले पोर्शन को आपको दिन में पढ़ना है, ये बस आपको इस 40 दिन के अंदर में करना, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके वाला पोर्शन हो।
तो जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब नया मैं चाहता हूँ कोई नया अब ज़्यादा ना पढ़ें, आप जो आपने पढ़ लिया उसी को बस प्रैक्टिस सेट में आप उतारें, नया आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स नया पढ़ सकते हैं आप, उसको कंटिन्यू रख लो। GS आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो 40 दिन में आराम से तुम्हारा काफ़ी टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग तो अब जो बच्चे कर ही चुके होंगे तो अब प्रैक्टिस करने का टाइम है, अब लास्ट टाइम में अभी नया पढ़ोगे तो वो नुकसान तुम्हारा हो सकता है उसमें, उससे अच्छा जो आपने पढ़ लिया उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और बाकी इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, और माइंड को अपना एक जगह सेंटर में करके उसको काम करें, और कोई ज़्यादा प्रेशर में आके एग्ज़ाम ना दें, और अपने ऊपर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो बहुत अच्छे से हो सकता है सब कुछ। डर के रहोगे तो जो आता हुआ क्वेश्चन भी है वो भी गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें लगेगा कि अब सबसे बड़ी निगेटिव चीज़ों के बारे में बात ही मत करो, तुम्हारे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 10 तैयार नहीं हुए, तो तुम ये मत सोचो कि 10 तैयार नहीं हुए, तुम ये सोचो कि मेरे 90 तैयार हैं, 10 के बारे में मत सोचो। मान लो मैथ में 15 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर तुमको नहीं आते तो तुम उन्हें छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है। अगर तुम्हें 2 चैप्टर नहीं आते तो उसकी टेंशन लेके तुम बिल्कुल भी मत करो, तुम ये सोचो कि मुझे 13 आते हैं तो मैं 13 में ही अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करूँगा। सेम रीजनिंग में भी एक दो टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आप अपना दे सकते हैं। और बाकी GS और करंट अफेयर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अभी 40 दिन बचे हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी टाइम आप अपना प्रैक्टिस सेट में दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो दिन में 6-7 घंटे तो मैं बस देने हैं 24 घंटे में से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, मेरा मानना ये है। अभी आगे का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, प्री एग्ज़ाम को पहला फर्स्ट स्टेप माने, ये क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए बाद में आप तैयारी शुरू कर दो। और बाकी मेरी तरफ से आपके लिए गुड लक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और एक अंदर अपने जुनून हो नौकरी का तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बिना जुनून के कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ये NTPC देंगे उसके बाद फिर आएगा, ऐसे तो फॉर्म तो निकलते रहेंगे और तुम यहीं रहोगे। तो ये लास्ट अपना जो भी है उसमें ही देना है तुमको, कि यही है जो भी कुछ है। और बाकी जॉब अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। NTPC में और भी बहुत सारी जॉब होती हैं, 10-12 पोस्ट हैं, तो वो मेरिट के हिसाब से जो आपको नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा तो वही था कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, उस पर फोकस करो। कुछ चीज़ें सभी में कमज़ोर, कुछ ना कुछ होता है, किसी का कुछ कमज़ोर होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, कोई परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो बस मेरा यही मानना है कि अभी जो भी तुम अपना, सबको अपना स्ट्रॉन्ग मालूम होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ है, उसको और अच्छे से ज़्यादा उसको परफेक्ट करो। मैथ रीजनिंग 60 नंबर की आएगी, उसमें से तुम ट्राई करो कि मैं 50-55 तक मैं नंबर लाऊं, तो आपका बहुत 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 अच्छा स्कोर वो हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत गुड लक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दें, बिना प्रेशर के पढ़ें, और सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी मत सोचो। आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, 35,000 वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा चांस है। तो बस, और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अगर कुछ हमसे गलती हुई है या हम कुछ तुम्हें नहीं बता पाए तो हम कोशिश करेंगे आपको हम अगली वीडियो में उसे और अच्छे से क्लियर करके आपको बता सकें। बाकी स्टेशन मास्टर की वर्किंग क्या है क्या नहीं है उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाने पड़ेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि साइको, एक स्टेशन मास्टर के लिए एक टेस्ट होता है साइको, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में, जैसे जैसे इस एग्ज़ाम का ये चलेगा, मेंस चलेगा, साइको का टाइम आएगा, मैं उस टाइम पे बताऊंगा कि मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, मेडिकल में क्या होता है, साइको में क्या पूछते हैं, मेंस में क्या पूछते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप बस प्री एग्ज़ाम है, बस आपका वही टारगेट होना चाहिए कि यही मेरा सब कुछ है, ये समझ के तुम पढ़ो, ये लास्ट है, और बार बार एग्ज़ाम नहीं देना, इसी में जीत तोड़ के मेहनत लगा दो तुम, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता था आप लोगों से कि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, मौसम भी चेंज है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर तुम अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कितना पढ़ लो, कुछ भी कर लो,
एग्जाम टाइम पे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, ये सब वो मेन इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे पहले ध्यान दिया था कि तुम्हारी तबीयत, कोल्ड वर्ल्ड ये सब चीज़ों से तुम्हें बचना है, क्योंकि एक दिन तुम्हारा पूरा डिसाइड कर सकता है तुम्हारा फ्यूचर भी। और अगर नहीं मिस हो गया बाई चांस, ना हो किसी के साथ कुछ ऐसा, तो फिर मतलब बहुत दुख होता है ये, क्योंकि बहुत लोग मैंने सुना है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, इस वजह से मेरा एग्ज़ाम बेकार हो गया, तो उसका भी ध्यान रखो आप लोग। और अब हमारे साथ ये अतुल भाई जुड़े थे, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके जरिए मैं भी अपनी बात कहने में कामयाब हुआ आप लोगों से। और बाकी इस चैनल पे ऐसी और भी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, उसके लिए आप हमें थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं अपना लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और सब ये बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो आप करेंगे तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है और अच्छा करने की। मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग हैं जिसके लिए मैं कर रहा हूँ या जिसके लिए जो भी अपलोड करेगा, तो उसको थोड़ा और अच्छा लगेगा और मोटिवेट होगा वो अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो बस धन्यवाद आपका, और आप मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। नमस्कार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लिए, आप इतना टाइम निकाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से शायद कुछ लोगों को बहुत हेल्प मिले और वो इस NTPC एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाए, यही हम शुभकामना करते हैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हम वीडियो किसी न किसी चीज़ का लाएंगे। अगली बार हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका इंटरव्यू ला सकते हैं, और उनके उनके ग्रुप डी वालों के साथ उनका पूरा इंटरव्यू, अलग अलग ब्रांच के वालों से और अलग अलग ट्रेड वालों से वर्किंग और उनका इंटरव्यू, सब चीज़ें मैं ला सकता हूँ। केवल आप इस वीडियो को बढ़िया शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो करिए। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, गुड लक भाई।